लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार एग्जिट पोल में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। देश के कई राज्य जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग भी लगातार जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी हैं, ये अपने अपने को बचाने के लिए आए हैं। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जो गारंटी की विश्वसनीयता थी, और उससे भी ज्यादा जो 8% महिला का है, अब समझ लीजिए 8% महिला का है तो ये कितना बड़ा बोल हुआ है ज्यादा महिलाओं का। और महिलाओं का टोटल मोदी के साथ रहना, जुटना, मोदी पर भरोसा करना, ये मोदी देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट पटापट, सब खटाखट पटापट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है, सारे सर्वे यही है 400 के पार। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80-80 सीटें जीतेंगे। कैंपेन के बाद ये दक्षिण भारत के हमारे चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी इत्यादि मंदिरों के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। और साथ ही साथ अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई, और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता रहे।